मैच तो पता ही था। ओ क्या शॉट मारा यार, खेला है ये तो आपको जो मारा चौका। आउट 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 है, गया भाई साहब गया भाई। अब आउट हो गया भाई, आउट हो गया मैथ्यू शॉट भाई, ओए गया गया यस भैया मानस ने। ऑस्ट्रेलिया है ये, जहां पे बड़ी बड़ी टीम जाती है डरती है। गया यस भाई, गया भाई, गया गया भाई। इंडिया के अंदर पाकिस्तान के सामने सच बात है ये कि घुटने टेक रही है भाई साहब। आउट हो गया भाई भगवान, आउट हो गया जी। 121 पे 6 विकेट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का सर्वनाश कर दिया। चीज सीधी बात है भैया, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से डोमिनेट करेगा, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की तकदीर लिख दी थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके तो अपनी धज्जियां उड़वाएगा। कि एक तरफ हमारा क्रिकेट है, बाय द वे भाई हम श्रीलंका से घर जाके ओडिया सीरीज नहीं जीत पाए और ये जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं। दफन करके ताबूत में डाल के भेज दिया जाओ। ये आज पाकिस्तान ना ओवल के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का धज्जियां उड़ा रहे हैं। दो विकेट लेके चला गया स्टार, क्या कर रहे हो भाई? पाकिस्तान तुम्हारे घर पे तुम्हें ही पैक करके चला जाएगा भाई साहब। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को अनप्रेडिक्टेबल टीम बोलते हैं। एक तो ना जीतते ना जीतते, और जब जीतते हैं तो ऐसे जीतते हैं कि मतलब लगता है कि इससे बेहतर कोई टीम ना है। ये जो शॉट मारा ना भाई, करेंगे कोबरा। ओ भाई खड़े खड़े लेके आगे भाई 14 रन एक ओवर के अंदर। एक जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजेद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को हल्का लेना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहला ओडीआई मैच बुरी तरह हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, जबकि पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और पहला ओडीआई मैच जीत कर सीरीज बराबर कर दी। और पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का भी सुन21 रन पे 1 विकेट जा चुकी है। द ईगल द तीतर विकेट लेकर, बहुत बढ़िया भाई साहब। 3 ओवर के अंदर अंदर आपको पहली विकेट मिल चुकी है भाई। अब शाहीन मेरे भाई, शाहीन कैच को छोड़ दी मेरे भाई, विकेट मिल जाती है एक और, 21 पे 2 हो जाते हैं। आउट हो गया भाई, आउट हो गया मैथ्यू शॉट भाई, कवर अप हो चुका है। जो अफरीदी ने कैच छोड़ी थी, जो शाहीन ने कैच छोड़ी थी, ये दो उदास चेहरे जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान को भाई। भैया 3 विकेट ले चुके भाई साहब, 3 विकेट आपने ले लिया। और जॉस इंग्लिश हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि ये ओए गया गया यस भैया। मानस लबुशेर भी जा चुका है। मैं यही कह रहा था दुबे जी आपको, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप बोलते रहे हो जी कि मानस लबुशेर स्टीव स्मिथ अरे खड़े हैं, ये पार्टनरशिप लगा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने पैनिक करवा दिया है भैया। 100 रन से पहले ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। एक हारिस रॉ भाई आग उगल रहा है, टेपिया आज आग उगल रहा है, रिजवान गुड कैप्टनसी यार, मतलब। और वो भी कहां, घर का कोई टोर नहीं है ये, कोई होम पे नहीं खेल रहे हो आप, होम कंडीशन नहीं है ये। ऑस्ट्रेलिया है ये, जहां पे बड़ी बड़ी टीम जाती है डरती है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतेंगे कैसे। पाकिस्तान ने पिछला मैच भूलिएगा मत, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था, ऑलमोस्ट। तो दुबे जी 4 विकेट हो चुकी है। अब आप बोलिए कि कौन आगे। नहीं क्या, गया, यस भाई गया भाई, गया गया भाई। स्मिथ भी जा चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया 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 के अंदर पाकिस्तान के सामने सच बात है ये कि घुटने टेक रही है भाई साहब। 101 रन पे पूरी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। हारिस ने तगड़ी बॉलिंग कर दी है, शाहीन ने आग उगल दी है, रिजवान की कप्तानी तगड़ी चल रही है,
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आईना दिखाया है भैया। पाकिस्तान की भाई ये जो बॉलिंग हो रही है, स्पेशली देखो ये रिजवान का जो इफेक्ट आया है कैप्टनसी में, देखो कब आउट हो गया भाई, भगवान आउट हो गया जी। 121 पे 6 विकेटें जा चुकी है हारिस रॉम द टेंसिया द टेपिया, 121 रन पे 6 विकेटें हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का सर्वनाश कर दिया, सीधी बात है। एरन हार्डी, स्टीव स्मिथ, जिस मर्जी को ले आओ, वो कहेंगे इंग्लैंड सीरीज बहुत अच्छी थी, बट जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान जान मार रही है ना, इनक्रेडिबल भैया, ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से डोमिनेट करेगा, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की तकदीर लिख दी थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके तो अपनी धज्जियां उड़वाएगा, पाकिस्तान को ओडिया क्रिकेट तो खेलना ही नहीं आता। स्ट्रेटेजी वाइज पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग लगा, बॉलिंग वाइज पाकिस्तान ने खत्म करके रख दिया भैया। सीर में मतलब अपने गार्डन में, अपने बैकयार्ड पे खेलने आए ओवल में, हम भी आपके जितना ही लड़ेंगे, और यहाँ लड़के दिखा रही है पाकिस्तान भाई। हारिस रॉफ वो बंदा है ना जो मार खा के आ रहा था T20 में, और लोग कह रहे थे कि वापस नहीं आने वाला है। कोई बढ़ के मारी ना, उसने कोई बात करी, एक तरफ ग्राउंडेड, एक तरफ मैं यही कंपैरिजन कर रहा हूं, एक तरफ इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज से पहले घमंड दिखाया, गुरूर दिखाया, इस वक्त जो घमंड दिखा रहा ना उसका घमंड चूर हो रहा, ऑस्ट्रेलिया ने घमंड दिखाया हो रहा चूर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार रहे हैं पाकिस्तान से, ऑलमोस्ट हार रहे हैं, हालते खराब हो रही है, पहला ओडीआई ऑलमोस्ट हारते हारते बच गए, पैट कमिंस के पैर पड़ लो, कि एक तरफ हमारा क्रिकेट है। बाय द वे भाई, हम श्रीलंका से घर जाके ओडीआई सीरीज नहीं जीत पाए, और ये जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं। चार विकेट ले ली है ग्लेन मैक्सवेल जी, शो बिग शो को, बिग शो को बस्ते में पैक करके फ्लॉप शो करके वापस भेज दिया है। 129 पे 7 विकेट, 200 छोड़े इनसे 150 ना बने, और पाकिस्तान की बॉलिंग मैक्सवेल हंस रहा था जी, ले हंसले हसले भाई हसले, मतलब न्यूजीलैंड ने इंडिया का उतारा, अपने घर में हम हार गए, यही ईगो तुम जो लेके चल रहे हो कि भाई क्या है पाकिस्तानी तो है, क्या कर लेंगे ये लोग। मैं हैरान था यार, लिटरली 6 विकेट गिरे हुए और मैक्सवेल हंस रहा है, दफन करके ताबूत में डाल के भेज दिया जाओ, और पैट कमिंस को आउट कर दे। आज पाकिस्तान ना ओवल के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे भाई, दफन करके आ रहे हैं उनके क्रिकेट को। पर आज भाई काबिली तारीफ है, जेन्युइनली बहुत ज्यादा तारीफ बनती है आज। अब एग्रेशन देखो बोलर्स में, जान मार रहे हैं बोलर्स, पेस मार रहे बोलर्स, क्यों? क्योंकि आई आकिब जावेद, एक बंदा आकिब जावेद, आकिब जावेद ने पूरा नक्शा बदल के रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, स्पिन ट्रैक दिया, इंग्लैंड को ढेर कर दिया। आ जाओ बेटा ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, रिजवान कैप्टन होगा, बढ़िया टीम भेजेंगे भाई। जब इंग्लैंड सीरीज ये जीते उसके बाद कॉन्फिडेंस अलग ही दिख जाता है यार भाई, विकेट लेके चला गया वो, 8 आउट हो गए, वो विकेट लेके चला गया स्टार, 130 पे 8 विकेट कर लिए हैं, और मैं कह रहा था कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आउट हो जाएगा। अरे ओके कहां भाई, कुछ भाई क्या हो क्या गया आपको, ये टीम भाई, ये क्या लांटी परफॉर्मेंस है भाई, विद द बैट कोई बात नहीं, विद द बैट ये क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे मुझे खुशी बड़ी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये हश्र हो रहा है तो आप पाकिस्तान आप रहने दो, नहीं नहीं भले मुझे पता था कि आज ऑस्ट्रेलिया हारेगा, पर इतना बुरा होगा ये नहीं सोचा था मैंने। मैं यूएसए से हार जाती है, आपका आयरलैंड से हार जाती है, जो आपके लिए मतलब जिम्बाब्वे से हार जाती है, दर दर की टीम है हर जगह, वहां पर जो टीम आपकी हार रही होती है वो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, आपको जो है वो एक खुशी तो दे रही है। टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड, और पाकिस्तान ने जो डोमिनेशन दिखाई है गेंदबाजी के साथ भाई साहब, हारिस रॉफ द टेपिया द टेंसिया फाइफर लेके चला गया, रिजवान की कप्तानी, बहुत कुछ है बात करने को भाई। हारिस रॉफ की बॉलिंग, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग, साथ में आपका जिस हिसाब से रिजवान ने कप्तानी करी है, एक तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है, जो एक घमंड लेके आ रहे थे ना कि नहीं जी हम तो वर्ल्ड चैंपियन है, हमसे अच्छा तो ओडीआई क्रिकेट कोई खेल ही नहीं सकता, हम ही है गॉड फेवरेट चाइल्ड, उन्होंने बोला गॉड फेवरेट चाइल्ड तुम होंगे, वर्ल्ड चैंपियन तुम होंगे अपने घर में, लेकिन इस बार पाकिस्तान तुम्हारे घर पे तुम्हें ही पैक करके चला जाएगा भाई साहब। एक ओडीआई हार गए थे, तुक्के से हार गए, चलिए कोई बात नहीं, पैट कमिंस हरा गया, इस ओडीआई में क्या कर लोगे, 163 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग को निपटा के रख दिया है। जेक फ्रेजर में गर्क, मैथ्यू शॉर्ट, स्मिथ, लबुशेन,
जिस मर्जी को ले आओ, मैक्सवेल, एक एक करके सारे के सारे खत्म होते रहे। सबको ताबूत में पैक करा कि बेटा हो गया तुम्हारा, चलो निकलो। और बाय द वे, रिजवान की कप्तानी आज जो निखर के आई है, जो आज दिखी है प्रेशर के अंडर, भैया एक पार्टनरशिप नहीं लगने दी उसने। आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये 200-250 लोग, तो कोबरा तो 300 बोल रहे थे आज। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को अनप्रेडिक्टेबल टीम बोलते हैं। एक तो ना जीतते ना जीतते हो, जब जीतते हैं तो ऐसे जीतते हैं कि मतलब लगता है कि इससे बेहतर कोई टीम ना है। लिटरली बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस है भाई, 50 ओवर करेंटली वर्ल्ड चैंपियंस है ऑस्ट्रेलिया। उसको उन्हीं के घर में जाके इस तरीके से रौंदना है, ये हार नहीं होगी, ये रौंदना कहेंगे इसको। 163 मैच तो पता ही था। ये तो जो मारा चौका, बिल्कुल सीधे का शॉट, तगड़ा चौका, और ये झलका रहा है आज पाकिस्तान का दिन। किसी इस शॉट ने पांडे जी पाकिस्तान का दिन डिफाइन कर दिया, बिल्कुल डिफाइन कर दिया। और एक चीज साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि सैम भाई, ये भी हैरान था कि क्योंकि सैम इस तरीके से खेलते नहीं है, उनका गेम ही नहीं है, वो संभल के खेल रहे थे। नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है और इसी तरीके से खेलते हैं जो अभी हम देख रहे हैं, 2-3 चौके जो अभी आए, लगातार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये लिटरली डोमिनेटिंग मिचेल स्टार्क, जो चौका जो छक्का लगाया, और ये बार बार जो गेम, ये लिटरली पाकिस्तान अयूब यार, मिचेल स्टार्क की कोई इज्जत कर लो। मिचेल स्टार्क इतना बड़ा बॉलर है, उसको उठा के चौका भी मार दिया, उसको छक्का भी मार दिया, फेंक दिया भाई। भाई सॉरी टू से, कमिंस की, हेजलवुड की और स्टार्क की, तो इन दोनों ने शुरू में संभल के खेल रहे थे, पर जैसे ही थोड़ा सेट हुए भाई, दोनों ने धज्जियां उड़ा दी है यार। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की 10 विकेट की जीत, वो छोड़ा, ये जो शॉट मारा ना भाई, करेंगे कोबरा। ओ भाई, खड़े खड़े भाई, फ्लिक पीछे, चौका निकल गया जी, चौका निकल गया, बहुत बढ़िया भाई। 72 रन हो चुके हैं, 72 रन फॉर पाकिस्तान, 14 रन एक ओवर के अंदर, 14 रन। मिचेल स्टार्क, दी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को अलग मारा है, हेजलवुड को अलग मारा है, वाइड बॉल के अंदर आप वर्ल्ड चैंपियंस को, मैच तो हरा रहे वाला, पहला मैच भी ऑलमोस्ट हरा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो जैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।